नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि किसी नाबालिग के खिलाफ पारित एक पक्षीय डिक्री जिसका अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, जिसे विधिवत नियोग किया गया हो, शून्य है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें एक नाबालिग के खिलाफ पारित एक पक्षीय डिक्री को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसका प्रतिनिधित्व आदेश XXXII सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 3 के तहत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त अभिभावक द्वारा नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विजय कुरले, नीलेश ओझा और राशिद पठान को आत्मसमर्पण करने के लिए 1 महीने का विस्तार दे दिया। तीनों ने जस्टिस नरीमन और जस्टिस विनीत सरन के खिलाफ अवमानना के दोषी अधिवक्ता मैथ्यू नेदुमपरा को लेकर उनके आदेश पर अपमानजनक और निंदनीय आरोपों के लिए अवमानना के लिए दोषी ठहराया है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद समय बढ़ाने का फैसला किया कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक रिट याचिका मूल आपराधिक अवमानना आदेशों में इंट्रा कोर्ट अपील का अधिकार मांगने के लिए शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित है और अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक आरोपी जिसे अंततः सभी आरोपों से बरी कर दिया है, वो अपने निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उस अपराध के संबंध में सभी न्यायालय के आदेशों में अपना नाम संशोधित कराने का हकदार है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की, जिसमें एक व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 417 धोखाधड़ी और 376 बलात्कार के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था और बाद में सभी आरोपों से बरी होकर कोर्ट के फैसले में उसका नाम संशोधित कराने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने शनिवार को विवाद समाधान प्रक्रिया में मध्यस्थता को अनिवार्य पहला कदम बनाने के लिए एक कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, प्रत्येक स्वीकार्य विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता को एक अनिवार्य पहले कदम के रूप में निर्धारित करने से मध्यस्थता को बढ़ावा मिलेगा और इस दिशा में एक लंबा रास्ता तय होगा। शायद इस रिक्तता को भरने के लिए एक सर्वव्यापक कानून की आवश्यकता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।